मान रहीम अस्सलाम वालेकुम, आप मेरा चैनल देख रहे हैं फार्मासिस्ट फरहान। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं और वो टॉपिक है हाउ ओवर टाइम रेट्स आर डिसाइडेड। इंडिया और पाकिस्तान में ओवर टाइम रेट्स किस तरीके से डिसाइड होते हैं, तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ओवर टाइम किसे कहते हैं। कंपनीज में 8 घंटे की ड्यूटीज होती हैं और उस 8 घंटे के हिसाब से जो आवर्स बनते हैं वो हैं 48 आवर्स। यानी 8 घंटे काम करें और 48 आवर्स पर वीक काम करें तो ये तो हो गई स्टैंडर्ड ड्यूटी। इससे आगे अगर आप काम करते हैं तो वो कहलाता है ओवर टाइम। ठीक है, 8 घंटे की ड्यूटी में आपको 1 घंटा मिलता है रेस्ट का। और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो फैक्ट्री एक्ट 1934 के तहत फीमेल्स को जो है वो 7 बजे से ज़्यादा ओवर टाइम करने की इजाज़त नहीं है। आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। तो ओवर टाइम अकॉर्डिंग टू द लेबर लॉ, ओवर टाइम रेट इज यूजली 1.5 टाइम्स द रेगुलर आवरली वेज। ये जो जुमला मैंने अभी बोला है इसको मैं एग्जाम्पल से जो है वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जुमला मैंने ये बोला है जो कि मैंने इंटरनेट से उठाया है कि अकॉर्डिंग टू द लेबर लॉ ओवर टाइम रेट इज यूजली 1.5 टाइम्स द रेगुलर आवरली वेज। ये 1.5% का क्या फॉर्मूला है, आइए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सबसे पहले तो समझ लेंगे कि ये 1.5 टाइम्स रेगुलर आवरली वेज जो ये कह रहे हैं इसको हम किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो लेट्स कैलकुलेट दिस विद एन एग्जांपल। मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं पर वीक। ठीक है, आपकी जो मंथली तनख्वाह होती होगी मगर आप उसको अगर वीकली जो है वो आप अगर कैलकुलेट करें तो आपके अगर 10,000 पर वीक कैलकुलेशन आ रही है तो उस 10,000 को आप 48 आवर्स से डिवाइड कर लें तो आपका रेगुलर आवरली वेज निकल आएगा। जो जुमला मैंने पिछली स्लाइड में बोला था कि ओवर टाइम जो है वो इज़ 1.5 टाइम्स द रेगुलर आवरली वेज। तो रेगुलर आवरली वेज इस तरीके से कैलकुलेट करिए कि जो आपकी वीकली तनख्वाह है उसको आप वीकली आवर से डिवाइड करेंगे तो आपके पर आवर आपकी अर्निंग आ जाएगी। तो रेगुलर आवरली वेज आपकी 10,000 के हिसाब से 208.33 है। अच्छा, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा एक डाउट है कि अगर मैं इसको वेरीफाई करूँ इस स्टेप को तो क्या वाकई वही वैल्यू आ रही है जो कि आनी चाहिए। तो मैंने इसको इस स्टेप को वेरीफाई किया कि जब मैंने 10,000 को डिवाइड किया 48 आवर से तो 208.33 आया आंसर। तो मैंने क्या किया कि 208.33 को 48 आवर से मल्टीप्लाई किया तो मुझे लगा कि वाकई 10,000 आएगा, मगर इसमें 10,000 नहीं आया, इसमें 999.84 आंसर आया है मेरा। यानी कि अगर आप 10,000 को इस वैल्यू से माइनस करें तो 0.16 का जो है वो जो है इसमें कुछ फ़र्क नज़र आता है। और हिंदी ज़बान में कहें अगर इसको कहें कि 10,000 में से 0.16 का कैलकुलेशन का झोल है, सही है। तो ये एक जो है वो सरकारी फार्मूला है। तो 10,000 के हिसाब से 10,000 डिवाइडेड बाई 48 तो आपका जो आंसर आया वो 208 पर आवर आपने 208 कमाया, सही है। बहरहाल, अब जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बोला था कि रेगुलर आवरली वेज को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरटाइम रेट आपका सामने आएगा। तो कैलकुलेट करते हैं, 208 मल्टीप्लाई बाय 1.5 तो आपका जो आंसर आ रहा है वो है 312.5 312.50। यानी कि आप अगर वीकली 10,000 कमा रहे हैं तो आपका ओवर टाइम जो है वो
अकॉर्डिंग टू द लेबर लॉ वो 312.5 होना चाहिए, जो कि मैंने इंटरनेट से देखा है। हाँ, अगर आप ओवर टाइम से बढ़कर और ओवर टाइम कर रहे हैं तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो 1.5 के हिसाब से नहीं होगी बल्कि 2 के हिसाब से होगी, यानी आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे कर्सर को फॉलो करें, यहाँ पे जो आप फार्मूला रखेंगे वो 1.5 नहीं होगा, वो 2 होगा, फॉर एक्स्ट्रा आवर्स। तो चलिए, मैंने फिर चैट जीपीटी का सहारा लेने का सोचा कि चैट जीपीटी से पूछते हैं कि कैलकुलेट करें एक पाकिस्तानी का ओवर टाइम, कि उसकी तनख्वाह 50,000 है तो उसका ओवर टाइम अकॉर्डिंग टू द लेबर लॉ कितना होना चाहिए। तो फिर चैट जीपीटी ने जो मुझे जवाब दिया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो सबसे पहले चैट जीपीटी ने बोला कि आप रेगुलर आवरली वेज निकालें। तो यहाँ पर मैंने उसकी तनख्वाह को 50,000 को डिवाइड कर दिया 48 आवर्स, जो कि स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स हैं वीकली। तो 50,000 को डिवाइड किया 48 आवर्स से, तो आंसर आया 1,041.67 PKR पर आवर। तो रेगुलर आवरली वेज आपने निकाल दी 50,000 डिवाइडेड बाय 48 आवर, तो ये 1,041 आंसर आया। यहाँ पर आप 50 की जगह अपनी तनख्वाह भी रख सकते हैं जो आप कमा रहे हैं। तो अब जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया है कि 1.5 से मल्टीप्लाई करके ओवर टाइम रेट निकलता है, तो आप इस 1,041 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो आपका जो है वो ओवर टाइम निकल आएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो मैंने इस्तेमाल की थी, इसमें ओवर टाइम रेट जो निकल के सामने आ रहा है वो है 1,562.5 PKR पर आवर। अब आप देखें कि जो सरकारी सतह पे जो लेबर लॉ के हिसाब से, तो आपके जो ओवर टाइम है वो ये बन रहा है। तो ये मुझे चैट जीपीटी ने जो आंसर दिया है तो वो ये है। अब देखना ये है कि आपकी फैक्ट्री में जो है वो क्या कैलकुलेशन इस्तेमाल हो रही है और क्या लेबर लॉ के तहत आपको ओवर टाइम दिया जा रहा है या नहीं, तो ये देखना है। और आप मुझे ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या ये कैलकुलेशन जो चैट जीपीटी ने जो आंसर दिया है, तो ये क्या ये कैलकुलेशन सही है या नहीं है, क्या ये जो कैलकुलेशन है क्या ये अकॉर्डिंग टू द लॉ है या नहीं है, तो ये आप मुझे ज़रूर बताएं। हो सकता है कि कहीं कैलकुलेशन में मैं भी गलती कर रहा हूँ। तो आप अगर मेरी जो है वो इसलाह करने की शुरुआत करेंगे, आप अगर इसलाह करेंगे तो अच्छी बात है, और अगर आप तनकीद करेंगे तो भी अच्छी बात है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी ओवर टाइम रेट्स के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखते हैं तो ज़रूर आप मेरी वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।